नमस्कार, मैं हूँ रेनू भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। सूबे के मुखिया चाहे जितनी योजनाओं का शिलान्यास कर दें या फिर विकास कार्यों का पिटारा खोल दें, पर भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली के चलते आज भी प्रदेश की जनता को विकास सिर्फ कागज में ही देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक नमूना बांदा जनपद में देखने को मिला है, जहाँ जल संस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते नहरों के विकास कार्य के लिए आए करोड़ों रुपयों का घोटाला सामने आया। जनपद को 1.5 करोड़ रुपए नहरों की साफ सफाई व मरम्मत को शासन से मिला था, पर एक दर्जन से भी ज्यादा नहरों में कोई कार्य नहीं हुआ और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए भ्रष्ट अधिकारी यमराज से कम नहीं है। वहीं शिकायत पर लखनऊ से आई जांच टीम द्वारा भी क्लीन चिट दे दी गई है। और तो और, अधिकारियों ने तो शासन को भेजी अपनी रिपोर्ट में 100% कार्य पूर्ण होने का भी दावा किया है। इतना ही नहीं, अंदर नहरों का निरीक्षण कर सिंचाई मंत्री ने नहरों की तारीफ करके सीएम साहब को टैग भी किया था। पर नहरों की वास्तविक हालत कुछ और ही है, जो कि अपनी जुबानी खुद ही बयान कर रहे हैं। पेश है नहरों की बदहाली और करोड़ों के घोटाले पर बांदा से हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। बांदा में नहरों की सफाई और मरम्मत के लिए शासन द्वारा भेजे गए 1.5 करोड़ भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और नहरों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि साल के आखिरी तक नहरों की साफ सफाई व मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जाए, जिससे किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए शासन ने 1.5 करोड़ की धनराशि भी उपलब्ध कराई थी, पर नहरों के लगने वाले पैसा अधिकारियों में भी बढ़ गया और कागजी कार्रवाई में क्लीन चिट व 100% ओके दिखाया गया। जनपद में एक दर्जन से भी ज्यादा नहरें ऐसी हैं जिनको अभी तक छुआ ही नहीं गया। जनपद में घड़ी चांदपुर, जारर माइनर, रिसोरा, पहाड़पुर, तरखरी, खोयजीतपुर, पतारा कोठी, जारी माइनर, आछाय माइनर, मुंगस माइनर और सैमरी माइनर खुद ही अपना विकास बयान करती हैं। इन नहरों में पेड़ पौधे लगे हैं, नहरें टूटी पड़ी हैं, बरसात में पानी खेतों में घुसकर फसल बर्बाद करता है। पर अधिकारियों की आंखों में शायद पट्टी बंधी है, जिसे उनको कमियां दिखाई ही नहीं देती। इतना ही नहीं, जब कोई शिकायत करता है तो लखनऊ से आई जांच टीम भी सड़क किनारे की मरम्मत हुई 100 मीटर की नहर देखकर क्लीन चिट दे देते हैं। और तो और, हमारे सिंचाई मंत्री महोदय तो एसी कार में बैठे बैठे ही नहरों को चमकता देखकर सीएम साहब को टैग कर देते हैं, पर इन सब खानापूर्तियों का नतीजा किसानों को भुगतना पड़ता है। क्या करते हैं? पैसे निकाल के बस हो जाता कि काम हो गया। अच्छा, सफाई नहीं हुई? सफाई कहाँ होती है साहब, सफाई होती होती तो क्या क्यों हुई? आप लोगों को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, आप लोगों की फसलें भी बेकार हो जाती है। हमारी खेती नहीं है, आप लोगों की जैसे मजदूरी कर लिया तो खा लिया, नहीं कर दीजिए। क्या देखते हैं, किस तरह से देखा, देखते होंगे कि किस तरह से नुकसान होता है किसानों का? जी, यहाँ से पानी जाता सब तो फसल नष्ट हो जाती है, पूरी ऐसे डूब जाता है, पूरा डूब जाता है। अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, नहर नहीं बनाई इन्होंने, लेकिन वो सफाई नहीं होती, कुछ नहीं हुआ जी। वो तो पुरानी नहर बनी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने नई बनाई है, सब पट्टी अट्टी डाल के बढ़िया सही कर दिया। मशीन लगी था कहाँ गई? तो ये कौन सी नहर है? घड़ी चांदपुर नहर के पास है। अच्छा, तो भाई साहब ये बताइए कि ये जो नहर है इसमें किस तरह से काम हुआ है? यहाँ पर अभी तो कोई काम नहीं हुआ इस साल। हाँ, किस तरह से नुकसान होता है आप लोगों को? नुकसान है, हर जगह कटान पड़ी है, ना कोई पुराई हुई है पट्टी की, वैसे खुला पड़ा है, वो छूटने वाला है नहर, तब आ जाएगा नहर तो कटा पड़ा है, फसल नष्ट हो जाएगी, भर जाएगी। ये हर साल होता है आप लोगों को? यहाँ कुछ सुधार नहीं होता जी, लेकिन अधिकारी तो बता रहे हैं कि हमने सारी नहर बना दी, सब बढ़िया है। जैसे बता रहे हैं कि रोड किनारे थोड़ी बहुत करवा दिया, 100 मीटर इधर 100 मीटर उधर, तो रोड से देख लेना अधिकारी को, अधिकारी कभी आना नहीं है यहाँ जी भाई, कहाँ गाँव में थोड़ी देखने आते हैं, वो तो वहीं मेन रोड से देख लिए, ये तो साफ है, आगे तो मेन रोड के पास 100 मीटर इधर 100 मीटर उधर करवा दिया, बस देखने को हो गया भाई साफ हो गया नहर पूरा, सब खेल है जी। क्या परेशानी है सर, जो है ये कभी नहर खोदा नहीं है, आए हैं बिसरमा भकाट के ले गए हैं, नहीं ले गए, वो भी डाल गए, यही डाल गए हैं सब, बड़ा है, पिछले साल खुदाई हुआ था, इस साल कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अधिकारी जाँच करने नहीं आए कभी? कभी हमको नहीं मिले, कभी नहीं आते, कभी नहीं मिले। आइए अब हम चलते हैं खोई अजीतपुर, तेरहा माइनर, कलीपुर नहर और जानपुर माइनर, और किसानों व स्थानीय लोगों से बात करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि नहरें हमेशा से ही सूखी पड़ी हैं, कभी भी मरम्मत नहीं हुई है। अधिकारी कभी कभार आते हैं
बैठे बैठे जांच हो जाती है। जहां से नहर कमजोर है वहां से पानी आता है और हमारी फसलों को नष्ट करता है। किसानों ने बताया कि 1.5 साल पहले नहर में मिट्टी की थोड़ी बहुत खुदाई हुई थी। नहरें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। किसानों का कहना है कि नहर में कोई काम नहीं होता है, हर तरफ कटान पड़ी है। नहरों के दोनों किनारों में मरम्मत कर दी जाती है, जिससे अधिकारी आते हैं और किनारे का निरीक्षण करके क्लीन चिट दे देते हैं। क्या नाम? ग्राम पैगम्बरपुर के रहने वाले। ये कौन सी नहर है चाचा? ये चांदपुर माइनर है। चांदपुर माइनर जी। इसको काम हुआ है, लाखों करोड़ों का काम हुआ है, क्या लगता है कि आपका काम हुआ है इसमें? इसमें कुछ नहीं दिख रहा। ये बॉर्डर पे जो रोड के आस पास के है किया है, बाकी नहीं कहीं कुछ हुआ भाई? कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। प्रमोद, इस नहर की क्या स्थिति है? स्थिति इसकी गड़बड़ है, अगर पानी आएगा तो खेतों में डायरेक्ट जाएगा। ये नहर नहीं जाना है इसको। तो ये तो सफाई की है इन लोगों ने? तो सफाई आप ही देख रहे हैं कैसी सफाई है इसकी। हाँ। उसमें मिट्टी भरी पड़ी है पूरी, थोड़ी थोड़ी निकाल दिया बस मशीन से। आगे की क्या पोजीशन है? सब जगह इसी तरह की पोजीशन है, कोई भी मिट्टी नहीं निकाली गई। इसी तरह थोड़ी थोड़ी निकाली गई है। क्या नुकसान होगा आपका? नुकसान क्या होगा, पानी आएगा तो पूरा पानी जाके खेतों में जाएगा, नुकसान होगा। कौन सी नहर है ये? जरर माइनर है। नुकसान क्या है? अब जैसी ये है, अब 1.5 साल पहले मिट्टी इसकी खोदी थी। आप समझ लीजिए, आपको समझ में आ रहा है कि मिट्टी खोदी है? फिर तो 1.5 साल बाद फिर खोदने के लिए आ गई। यदि खोदी होती आज से 1.5 साल पहले कायदे की, हाँ की मिट्टी वो होती भला, फिर उस समय ऐसा नहीं छोड़ेंगे पानी। अत्यधिक पानी आ जाएगा तो जहाँ से कमजोर है वहाँ से पानी भर जाएगा। कितनी जगह से कमजोर है? बहुत जगह है। जब आप ये सर्वे करने गए हैं तो आपने खुद देखा होगा। नहीं तो आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि कहां कहां से, क्या पूरी ऐसा ही है? पूरी तो ऐसे नहीं, देखिए पूरी कोई चीज खराब नहीं हुआ करती है। जी जी। जहां जहां खराब है वहां अच्छी तरह रिपेयरिंग हो जाए, दोबारा ना करते मगर खाना पूरी कर देते हैं। लगभग खराब है? लगभग कम से कम 60% खराब है। आप यहाँ आओ जाएंगे तो खराब मिलेगी आपको, उस तरफ 80% होगी। अब हाँ 80% होता, 70% भी हो सकती है। अभी तो आपने बांदा की नहरों की जमीनी हकीकत देखी व किसानों की जुबानी सुनी। अब हम आपको दिखाते हैं जेई की जुबानी। यहाँ उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है। जेई गरुण देव का कहना है कि बांदा से निकलने वाले माइनरों में काम कराया गया है। शासन की जांच लखनऊ से आई थी, अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, जल्द ही सौंपी जाएगी। हो सकता है पर काम कराने के बाद भी नहरों में कमी आ गई हो, उनकी जल्द मरम्मत कराई जाएगी। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अरविंद पांडे का बयान, जहां उनको कोई कमी ही नहीं नजर आ रही है, कि नवंबर में टेंडर हुए थे, नया संचालन 10 से 23 जनवरी तक होना है। जिन नहरों में कमियों की शिकायत आ रही है उनकी मरम्मत कराई जा रही है। 1.5 करोड़ का बजट शासन ने भेजा था, उसमें कार्य चल रहा है तथा 3 तरह की जाँच होती है जिसको सौंपा जाएगा। वहीं जब नहरों की दुर्दशा, भ्रष्टाचार और करोड़ों के घोटाले की जानकारी के लिए जब बांदा के मंडल आयुक्त और जिलाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए जांच का हवाला दे दिया। अभी आपने देखा बांदा जनपद नहरों की दुर्दशा और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट का जीता जागता आंखों देखी हाल। इससे तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे सीएम साहब के अधिकारी किस तरह सबकी आंखों में धूल झोंकते हैं और करोड़ों रुपया आपस में बांटकर क्लीन चिट और 100% कार्य संपन्न की रिपोर्ट भेजते हैं। इससे क्या यही माना जाए कि पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब है, या फिर नीचे से ऊपर तक कमीशन खोरी के चलते विकास कार्य केवल कागजों तक ही सीमित है? देखना ये होगा कि विभागीय सचिव, मंत्री और खुद सीएम साहब इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कैसे लगाम कसते हैं और क्या काफ्री ही करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो बहुत खराब है। अब बताइए, इतना गहर यहाँ कर दिया, आगे कोई साफ सफाई है नहीं है। जब नहर आता है तो लोग बांधते हैं, डंडक आपके पन्नी लगा के हर चीज़ है, सिंचाई होती नहीं, जब आते हैं लोग खाते फेंक देते हैं। बताइए स्थिति है, किसान करें तो करें क्या? क्या सफाई वफाई नहीं हुई? कहाँ सफाई हुई है साहब, आप देख लीजिए कहाँ सफाई। बस यही पे शर्मा काट दीजिए, सफाई है ये कोई सफाई नहीं है। आप अगर सफाई करा दें तो चलते हैं, सफाई अच्छा बेकूफ बनाते हैं ठेकेदार, सफाई नहीं हुई। आगे से बड़ी बड़ी हो जाती है बस दिखावटी के, आगे आगे हाँ। पीछे नहीं करते। क्या नुकसान होता है उससे? फिर पानी भरता है खेत में, उपलाता है जहाँ सफाई में भाई, हाँ पता सकती है। अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए आता नाली साफ करने का, नहर साफ करने का, हाँ
पाइप खाची कहीं की जो उन्हें सफाई हो गई हम मजदूर के सुबह पैसा पड़ो हम को जमा नरेगा में कर मजदूरी नहीं मिली है हमारी क्या करें का? उमाकान जी ये जो नहरों का हाल है बांदा की क्या है किस तरह की हाल है अब आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ तो खुदाई नहीं हुई 3 साल से खुदाई भी अगर आज बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट साफ सुथरा कर गए उसी तरह जंगल खड़ा रहता है हम लोग निकालते हैं उसकी सफाई खुद करवाते हैं अपने पैसे से जी और मिट्टी भी खुदवा के फेंका जाते हैं दरीसी नहीं करवाते हैं मिट्टी हटवाते हैं वहाँ जी तो किस तरह से नुकसान होगा आप लोगों का नुकसान हमारा ये है कि अब हम अपने खेतों नहीं जा पाते हैं उसी के नहर आ गई खेतों में पानी भर रहा है बहुत सारी समस्याएँ हैं हमारे पास अधिकारी जो दावेदारी कर रहे हैं गलत दावेदारी कर रहे हैं कभी कोई जांच आंच नहीं होती जांच नहीं हुई किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई उधर से कुछ दूर खुदाई हो गई इधर से कुछ दूर खुदाई हो गई पूरा बीचों बीच का पूरा सेंटर छोड़ देते तो क्या लग रहा है भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी फूल है उसमें क्या कमी तो आपसे जो भ्रष्टाचार है जो बेईमानी है इस पे कौन लगाम ये सरकार जानबूझ करके किसान को परेशान कर रही है किसानों को अपमानित कर रही है सरकार को अपमानित इसलिए नहीं करना चाहिए पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो फसल के पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे ये हमने नहीं कहा किसी किसान ने नहीं कहा था ये भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था तो अब सरकार उनकी है तो कम से कम वो MSP दे भारतीय जनता पार्टी जिसमें किसानों की आय दोगुनी हो जाए जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो जो कानून लाए हैं अभी तो सब अच्छा लग रहा है आप बताइए जनता पार्टी ने कहा कि मिस्ड कॉल करिए हमारे सदस्य बन जाइए ये उनका एक प्रोग्राम है कार्यक्रम है तो हम ये जानना चाहते हैं कि देश के किसान कहां पर मिस्ड कॉल करें जहां पर MSP मिल जाएगी उन्हें हमें वो नंबर बता दें बांदा से अनवर रजा की खास रिपोर्ट न्यूज हब भारत देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और जी हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं